चित्रलेखा जी नमस्कार। राधे राधे, नमस्कार। इस समय संसार में इतनी समस्याएं हैं और दुखी लोग औरों को भी दुखी करते हैं और जी। दुख का बहुत बड़ा कारण है। लोग इस समय सक्सेस के पीछे भागते हैं और शायद जब असफलता हाथ लगती है तो कहीं पे बिटर हो जाते हैं, कड़वापन आ जाता है। तो आपके अनुसार सक्सेस की क्या परिभाषा है? जो बचपन से ही जो हमारी ग्रोइंग हुई है उसमें हमें बहुत गलत चीज सिखाई गई है कि सफल होने का मतलब है बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाना। अगर आपके बैंक में, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं तो मतलब आप सफल हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हमने न जाने कितने लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं पर सुख नहीं। हमें समझना होगा सुविधा में और सुख में फर्क होता है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस समझ जाएंगे तो वास्तविकता में जो सफलता है हम उसका मीनिंग समझ पाएंगे। जो भी काम करते हुए या जो भी अचीव करते हुए अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है, अगर आपके अंदर एक इनर पीस है, अगर आपके अंदर उस चीज को करके आपका मन बहुत शांत है, बहुत खुश है, भले उसमें पैसा ना हो, भले उसमें बहुत ज्यादा आप फेमस ना हो रहे हो, भले उसमें बहुत आपको लोग ना जान पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट हैं और आप भीतर से खुश हैं, तो वो आपकी सफलता है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसको भी पैसे कमाने में ही सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये है, तो अज्ञान की बात, पर अज्ञान की वजह से ही सही, वो अगर पैसा कमाता है और वो तो सेटिस्फाइड महसूस करता है पर उसके जो एक्शन है उसकी वजह से औरों को नुकसान होता है, तो ये सफलता क्या ठीक है इसको परस्यू करना, इसके पीछे जाना? ये मेरा नहीं, न जाने हमसे पहले जितने भी फिलोसफर्स आए हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु आए हैं, जो सोशल वर्कर्स हुए, उन सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पैसा से ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, वो भी एक अंग है सफलता का, लेकिन वो उसको आप परमानेंट सफलता नहीं मान सकते, आप उसको परमानेंट सक्सेस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये बात एकदम सच है, जिसके पास पैसा होता है एक दिन वो भी आता है जब पैसा ज्यादा भी होता है, बिजनेस में लॉस भी होता है, तो उस समय क्या, उस समय जब अगर आपको लॉस हुआ, पैसे कम हुए, तो क्या आप असफल हो जाएंगे, क्या वो आपकी असफलता है? यानी हमें जो है वो टेम्परेरी सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, हमें एक ऐसी केवल एक वस्तु के पीछे नहीं भागना है कि वो मिल जाए तो हम सफल है, पैसा मिल जाए तो हम सफल है, अगर वो नहीं है तो फिर हम निराश हो गए, हताश हो गए। उस चीज को अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं सफलता का, तो आप कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे खुशी खुशी सर्वाइव कर पाते। अधिकतर क्या होता है, बहुत बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट एक टाइम आता है जब थोड़ा सा रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो क्या हुआ, उनका जो माइंड पीस है वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पैसा तो कमाया पर सफलता नहीं कमाई। सफलता वो होगी जब आप पूरी अपनी जीवन भर में, चाहे आप अच्छा पाए चाहे आप लॉस में जाए, आप हर टाइम उसको मेंटेन करके रख पाए, बैलेंस बना करके रख पाए। मेरी नजरिए से सफलता वो है। मतलब जो पैसा इसमें किरदार निभाता है वो यही है कि आपकी जरूरतें पूरी हैं बस, लेकिन उसके आगे वो आपको सफल या असफल नहीं बनाता। आपने एक टर्म यूज की सैटिस्फैक्शन, बारी बारी आपने कहा अगर आप सैटिस्फाइड हैं, आपके हिसाब से जो हैप्पीनेस है वो क्या इस सैटिस्फैक्शन से कुछ अलग है? मेरे ख्याल से सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से अलग है कि एक सेटिस्फेक्शन है, एक हैप्पीनेस है, बाकी अगर इन दोनों इमोशंस को कंबाइन कर दिया जाए, जो आदमी सेटिस्फाइड होगा ये उसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है कि वो हैप्पी भी होगा, वो खुश भी होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो खुशी जो जाती है हमसे, वो इसीलिए जाती है कि हम चीजों को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है। हमें और देखिए दो चीजें हैं, अच्छे काम में सेटिस्फाई ना होना भी अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, जैसे हम एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या है कि हमें सेवा करने के लिए सेटिस्फाई नहीं होना पड़ेगा। अगर हम सोच लें नहीं इतना ही बहुत, हमने जितना करना था हो गया,
तो ये सेटिस्फेक्शन गलत है, क्योंकि हमें अभी और करना है, हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन सेटिस्फेक्शन का यहाँ मेरे कहने का मतलब है वस्तुओं को लेके, चीजों को लेकर के। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हमारे पास छोटा घर है, हमें क्या लगता है शायद बड़ा घर आएगा तो मेरे पास खुशियां आ जाएंगी। बड़ा घर आया, कुछ टाइम उससे लगा भी कि अटैचमेंट रहा, हाँ कुछ थोड़ा खुशियां आई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़े कुछ महीनों साल बाद फिर से वो चीज एकदम नॉर्मल हो गई। काश मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती तो मैं खुश होता। पूरी लाइफ हम करते क्या है, हम यही करते हैं पूरी जिंदगी, बचपन से लेके अंतिम समय तक बस यही सोचते रहते, काश ये होता तो खुश होता, और वो काश कभी पूरा होता नहीं, इसलिए हम कभी खुश हो नहीं पाते। इसलिए हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, हमारे भाग्य कब अच्छे आएंगे, हमारे भाग्य में ये कब आएगा, वो कब, कभी नहीं आ सकता अगर आप अपने आज को लेकर के खुश नहीं है, अपने आज को लेकर के संतोष में नहीं। अगर आप वो करना सीख जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण है, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास ना कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए बहुत बैंक बैलेंस है, फ्यूचर के लिए ना बहुत सारी प्लानिंग्स है, लेकिन आज में खुश है और इतना अच्छे से जी रहे हैं कि लगता है कि काश भगवान ऐसा जीवन मुझे भी दे। तो पहले हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में, हमें उसे उसकी वैल्यू समझनी होगी और उसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा उस भगवान का, उस नेचर का जिसने हमें इतना कुछ दिया है। ग्रैटिट्यूड जिसे हम कहें, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहीं पे आपको लगता है कि हमारे पालन पोषण में, हमारी पेरेंटिंग में कहीं पे कमी है क्या? क्योंकि भाई बचपन में यही कहा जाता है कि भाई तुम 10वीं में अच्छे नंबर ले आना, तुम्हें साइंस मिल जाएगी। एक बारी साइंस ले लोगे, अच्छे नंबर ले आना, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, उसके बाद अच्छी नौकरी ले लोगे, उसके बाद पैसा अच्छा कमा लोगे। हमेशा यही कहा जाता है कि तुम ये कर लो। आपको लगता है कि इस वजह से हमें खुश रहना शायद आता ही नहीं? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका जो निभाते हैं वो पेरेंट्स निभाते हैं। घर का आपका जो माहौल है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, वो निभाती है। बच्चों को कोई बुरा ना माने, बट आज के टाइम में हमने बच्चों को इंसानों से ज्यादा उनको एटीएम मशीन बनाने की तैयारी में हम लग रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है, हम ये तो सिखाते हैं कि आपको क्लास में नंबर्स कितने लाने, आपको ग्रेड्स कितने लाने, लेकिन हम उनको ह्यूमन वैल्यूज सिखाना भूल जाते हैं। हम उनकी एजुकेशन से ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एजुकेशन का मतलब केवल कुछ इंफॉर्मेशन रटा देना नहीं होता। लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स है, जो ह्यूमन वैल्यूज है, आपको पशुओं के साथ कैसा बिहेव करना है, आपको नेचर के साथ कैसा बिहेव करना है, जब तक आप बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे तब तक उनका फ्यूचर, उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक चाकू जो होता है नाइफ, आप उसको आगे से बहुत शार्प करो बट उसमें हैंडल नहीं डालो तो वो चाकू आपके लिए डेंजरस होगा, आपका हाथ कट सकता है। तो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है पर जो रियल लाइफ का जो ज्ञान होना चाहिए वो थोड़ा कम है, जिसके कारण वो एजुकेशन गलत रास्ता पकड़ लेती है। आज के बच्चे इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन उसको सही एक दिशा मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो दिशा स्कूल से या घर से, पेरेंट्स से मिल जाएगी तो जरूर भविष्य देश का, राष्ट्र का अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। आपने मॉडर्न एजुकेशन की बात करी, अब एक और मॉडर्न व्यू पॉइंट बहुत ये है कि भाई जिंदगी में हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है, जिसको मैं मानता हूँ। लोग कहते हैं हर किसी का अपना एक ध्येय होता है, जबकि जो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, जो मेरा खुद का अनुभव रहा और जिन जिन महान हस्तियों का मैंने, जिनके जीवन का मैंने निरीक्षण किया, मैंने यही पाया कि भाई मानव जीवन का जो एक धर्म है वो है सर्विस, दूसरों की मदद करना। जी। आपका क्या मानना है सर्विस का हमारी लाइफ में क्या रोल है? आपने जो टॉपिक रखा था ना, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सर्विस, मुझे लगता है हमें इसको उल्टा कर देना चाहिए। सर्विस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये तीनों चीज जो है स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले सर्विस करिए, आप पहले लोगों की सेवा करिए, सेवा करते ही आपको पहली चीज मिलेगी खुशी, और जब खुशी मिलेगी तो सफलता अपने आप चल करके आपके द्वार पर है। कहते हैं ना कि ऐसा
गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल आदमी खुश हो, पर खुश आदमी सफल होगा ये पक्की गारंटी है। हमें बच्चों को सिखाना होगा, मॉडर्न एजुकेशन में इस चीज को जोड़ना होगा कि सेवा से, सर्विस से हमारी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। मुझे आपका और मेरा अनुभव कहीं ना कहीं एक जैसा ही है सेवा के मामले में। तो अगर कोई आपसे मुझसे शायद पूछे कि आपको रात को नींद कैसी आती है, तो मैं तो खुल के कह सकती हूँ चैन की नींद आती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने दिन में किसी एक जीव का, एक प्राणी का दर्द कम किया। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, एक बार किसी के पांव से कांटा निकाल के तो देखो। आप उसके पांव का कांटा निकालेंगे, लेकिन चुभन आपकी कम होगी। आजकल दुनिया में जो दुख बढ़ रहा है, या ये कह लीजिए कुछ सारी बीमारियां बढ़ रही है, कुछ सारी दुख बढ़ रहे हैं, उसका कारण ही ये है कि हमने लोगों को दुख देना शुरू किया। आज आप जिस काम में लगे, हम जिस काम में लगे कि स्लॉटर हाउस बंद हो, किसी भी तरह गाय काटी जा रही है वो बंद हो, वृक्ष काटे जा रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वो बंद हो, ये सेवा है। और जब आप ये सेवा नेचर की करते हैं, जब आप प्रकृति को कुछ देते हैं, तो प्रकृति आपको बदले में बहुत कुछ देती। हमने गलत दिया प्रकृति को, उसका परिणाम ही हम 2 साल से इस पेंडेमिक के रूप में भुगत रहे हैं। तो अगर इस सर्विस का, सेवा का हम सही मतलब समझ जाएं कि बिना सेवा के, मैं बार बार कथाओं में भी कहती हूँ अपनी स्पीचेस में, कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ की दादी नानियां हमें ये सिखाती हैं कि घर के बाहर चींटियों को दाना डालो, हमारा परिवार ये सिखाता है गर्मी पड़ रही है छत पर एक मिट्टी का बर्तन रखो, उसमें पानी रख दो ताकि कोई पक्षी आके प्यास बुझा ले। हम उस कल्चर में जीते हैं और ये कल्चर ही हमारी पहचान है। हम भारत वालों की, हमारा जो राष्ट्र के लिए हम जो गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, ये कल्चर ही हमारी पहचान है और हमारा कल्चर ही सेवा करना सिखाता है। तो इस सेवा को हमें आज के बच्चों में, आज के यूथ में, यंगस्टर्स में देना होगा, कन्वे करना होगा, ताकि वो भी सेवा से जुड़ सके। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारा कल्चर तो ये कहता है। तो ही जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बाबा नानक की तस्वीर होती है, बुद्ध की तस्वीर होती है घर में, पर बच्चे अगर उस रास्ते पे चलना चाहें तो कहीं पे माँ बाप बिदक जाते हैं और फिर माँ बाप की अपेक्षाएं कुछ और होती हैं कि भाई लड़का पैसा कमा ले, अमेरिका चला जाए, और फिर बच्चों के मन में ग्लानी भाव आ जाता है कि भाई मैं अपने माँ बाप को ठेस कैसे पहुंचाऊं, इनकी अपेक्षाओं, इनको निराश कैसे करूं। तो क्या अगर लाइफ में जो एक बड़ा मुद्दा है कि भाई मेरे को जीव, मानव सेवा करनी है, जीव सेवा करनी है, अगर आपको वो सेवा करने के लिए घर वालों की भावनाओं को आहत करना पड़ता है, क्या ये ठीक रहेगा? मैं अगर अपनी धर्म ग्रंथों के अनुसार कहूं तो उसमें ऐसा स्पष्ट लिखा है कि भक्ति, भजन, धर्म और सेवा, इनके लिए अगर आपको परिवार, आपके यहाँ तक कि लिखा है माता पिता गुरु, इनकी बात के विरुद्ध भी जाना पड़े तो भी आप अपराधी नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे काम को करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपकी सेवा से अगर किसी को सुख मिल रहा है, उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो रही है और उसके लिए कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हैं, तो भी आपको वो सेवा करनी चाहिए। और उस सेवा का परिणाम ये होगा कि एक दिन वो परिवार ही धीरे धीरे आपकी सेवा के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपसे वापस जुड़ेगा, आपकी फीलिंग्स को धीरे धीरे समझेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं, लेकिन जब आप उस रास्ते पर अच्छा काम करने लगेंगे तो एट द एंड उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। और इवन करियर में भी तो होता है, करियर में भी आज के बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बनना डॉक्टर है, माँ बाप कहते हैं तुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम कहते हैं अपनी दिल की सुन। तो फिर सर्विस, सेवा के लिए क्यों नहीं? सेवा के लिए अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, और वही बात आती है कि भले सेवा में आपको बहुत सो कॉल्ड पैसा भले ना मिले, लेकिन आप चैन की नींद सोते हैं, आपको एक दिल का सुकून होता है। हर पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा इस दुनिया में इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ये
ये उदाहरण देना बच्चों को बंद करिए कि शर्मा जी का बेटा तो इतने नंबर लाया है, वर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है। ये एक भारतीय पेरेंट्स की मानसिकता बन चुकी है कि अपने बच्चों को कंपेयर करना। कंपैरिजन बच्चों की ग्रोथ कभी नहीं करता है, कहीं ना कहीं उनको मन में ग्लानि होती है। अब एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बच्चा ड्राइंग में अच्छा नहीं हो सकता है। तो उनको फोर्स ना करें, उनका जिस काम में मन है, सर्विस में मन है तो वहां हेल्प करें, कोई दूसरा करियर चुनना है तो वहां हेल्प करें। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताता हूँ, ये चीज समझ में तो आ जाती है कि भाई हम कुछ ऐसा करना जा रहे हैं विच इज लार्जर देन लाइफ, बिगर देन माई सेल्फ। अब इसके लिए अगर मुझे परिवार को छोड़ना पड़ता है, जैसे मेरी माँ है 76 साल की थी, दिल्ली में रहती थी, वो नहीं चाहती थी, समझती वो भी थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं हिमाचल आके करूं, पर मैंने कहा मेरे को जाके करना है, पर गिल्ट बहुत फील हुआ मुझे, और वो गिल्ट मुझे काफी सालों तक खाता रहा, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। तो मैं तो झेल गया, बहुत से लोग उस गिल्ट की वजह से नहीं झेल पाते। तो कुछ कुछ ऐसा प्रैक्टिकल है कि जो बात आपके दिमाग में समझ आ जाती है वो दिल भी आपका उसको फॉलो कर ले, ताकि आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। आई थिंक प्रैक्टिकली वे में मैं अगर कहूँ तो आप एक चीज सिंपल सी समझ सकते हैं कि आपने सचमुच एक हमारे शास्त्र में कहावत है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या ही ते तो बांझ भल क्यों गवावे अपनों नू। यानी एक माँ ऐसा बेटा ऐसा बालक जन्म दे, या तो राष्ट्रभक्त हो या भगवान का भक्त हो या कोई सूरवीर हो या किसी दूसरे की सेवा करने वाला हो। अगर वो इनमें से कुछ नहीं है तो शास्त्र कहता है कि उस माँ ने बेकार में ही अपनी कोख गवाई है। तो मुझे लगता है कि वो गिल्ट आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन आपकी माँ के लिए ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि उसके बेटे ने सेवा का मार्ग चुना इवन इस लाइफ में। और मुझे लगता है इस लाइफ से हम चले भी जाएं तो भी, जिसको आप स्वर्ग कह लो, नर्क कह लो, जो भी नाम दे लो, वहां जाकर के भी आपकी माता को, आपके परिवार को उस चीज पर गर्व होगा कि मेरे बेटे ने संसार की चीजें नहीं बल्कि सेवा का मार्ग चुना है। और जहां आप सेवा कर रहे हैं, आप जिस पशु की, जिस गाय की सेवा करते, वो भी माँ है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। अगर आप वहां उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं तो आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आर्मी के लोग, अब आर्मी का एक इंसान बॉर्डर पर जाकर के अपने परिवार को छोड़ करके अगर वहां पर सर्विस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागा है या सेवा से भागा है अपने परिवार की। उसकी सेवा राष्ट्र की सेवा है, भारत माता की सेवा है। अगर वो उनकी सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी माँ की, अपने परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गिल्ट जैसा आपको या किसी और को फील करना चाहिए। आई एम श्योर इसकी वजह से बहुत लोग रिलीव महसूस कर रहे होंगे जो आपने कहा। अगर हम गिल्ट से आगे चले भी जाते हैं ना, तो एक मैं देख रहा हूँ आज की यूथ में एक निराशा का माहौल है। उन्हें सभी कुछ गलत लगता है, उन्हें एक फर्स्ट स्टेप नहीं पता लगता कि कहाँ से शुरू करें। वो देखते हैं कि भाई लड़कियों के साथ भी ज्यादती हो रही है, गाय के साथ भी, सड़क पे कुत्तों का भी हाल खराब है, हर चीज गलत नजर आती है। तो ऐसी निराशा में उनका पहला कदम क्या हो? वो कहते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें? पहली बात तो फर्स्ट स्टेप शुरू होगा जहां आप हो, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। कहीं और से जाके आप इस चीज को शुरू नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप प्लास्टिक का उपयोग बंद करिए। आप अपनी रियल लाइफ में जिन चीजों से पशुओं को पीड़ा हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल लेदर, हर आज का जो यंगस्टर है, लेदर बेड, लेदर वॉलेट, जो लेडीज होती है लेदर पर्सेस, बैग्स, ये सब उपयोग करते हैं। लेदर है, प्लास्टिक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के लोग यूज करते हैं। अवॉइड सच थिंग्स, जो एनिमल क्रुएल्टी होती है उसको बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है। मान लीजिए हर आदमी एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता है पशु के लिए, हर आदमी बहुत बड़ा ट्रस्ट नहीं बना सकता है, लेकिन आप अपने घर में कोई एक पशु रख सकते हैं, आप घर में गाय रख सकते हैं, उनका आप सही से पालन पोषण कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से अपना फर्स्ट स्टेप उठाइए और आगे बढ़िए।
एटलीस्ट आप इस चीज को निर्णय करिए कि मुझे किसी भी तरह सेवा करनी है। आप वॉलंटियर बन जाइए, आप कहीं अच्छी जगह ऐसी सेवा हो रही है तो आप सैटरडे संडे जाइए, वहां जाके सेवा करिए। आप अपने समर हॉलीडेज में जाइए, वहां जाकर के आप थोड़ा टाइम दीजिए। ये सारे स्टेप्स हैं जो आप आज से ही आगे कर सकते हैं और इनको शुरू कर सकते हैं। आपने गौ सेवा की बात करी, मैंने आपका एक पहले वीडियो भी देखा था, उसमें भी आपने कहा था कि भाई लोगों को चाहिए वो गौ सदन में जाएं, कम से कम रोज नहीं जा सकते तो वीकेंड पे चले जाएं। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी थी, पर उससे जो गौ वध है वो कैसे रुकेगा? क्योंकि देखिए इंडिया में इतना ज्यादा स्लॉटर होता है, हम टॉप के बीफ एक्सपोर्टर हैं जिसमें बहुत भैंस है, पर मुझे लगता है गाय भी होती होगी और चमड़ा जो है वो भी तो इसी से आता है। अब हमने अभी डेयरी के ऊपर कुछ शोध करी थी तो एक वर्गीज क्यूरियन करके व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो उनका कहना था कि भाई अगर डेयरी से हम बूढ़ी गाय भैंस बेचेंगे नहीं तो हम नई कैसे खरीदेंगे, हम बछड़ों पे पैसा खर्च करेंगे तो डेयरी का नुकसान होगा। तो जब तक तो दूध किसान से आता था तब तक तो सारा ये चला था, एक पूरा सिस्टम था, भाई किसान ने घर में गाय रखी हुई है, गाय फैमिली मेंबर है, वही गोबर खेत में जाता है और अधिकांश जनता जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी थी। अब अधिकांश जनता शहरों में चली गई है, वो गाय भैंस रखती नहीं है, तो दूध के लिए डेयरियां हैं और डेयरियां सिर्फ मुनाफे के लिए है। तो आपके इस बारे में क्या राय है कि गौ वध कैसे रुकेगा, मतलब सिर्फ हमारे मांगने से रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बोलें और उसके लिए कोई काम ना करें तो उस चीज से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है। जब भी किसी चीज की आपको रक्षा करनी हो या उसे बचाना हो तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी होगी। अभी क्या हो रहा है कि गाय की वैल्यू बहुत कम है। किसके लिए गाय का उपयोग करें, हम कितनी भी गाय की आध्यात्मिक महिमा गाय धर्म के हिसाब से, लेकिन जब तक आपको उसका बेनिफिट कुछ नहीं बताया जाएगा, जब तक आपको उसे कुछ मिलेगा नहीं, आप उसे रखना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू बढ़ेगी जब हम गाय या बछड़ों से जुड़ी हुई चीजों को सही वे में उपयोग करना सीख जाएंगे। जैसे कि बछड़े कहाँ उपयोग करें, चलिए गाय फिर भी दूध के लिए काम आ जाती है, बछड़े कहाँ उपयोग होंगे? बछड़े उपयोग होते थे, बैल उपयोग होते थे हमारी पहले हिस्ट्री में खेती के लिए। खेती के लिए हम उनको उपयोग करते थे, खेत की जुताई के लिए हम उनका उपयोग करते थे, खेत की जो फर्टिलाइजर है, खाद है, उसके लिए हम उपयोग करते थे। अब हुआ क्या, इससे बहुत सारी चीजें बिगड़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, पेट्रोल डीजल महंगे हुए और परिणाम क्या हुआ, हमने खाद की जगह पेस्टिसाइड यूरिया उपयोग करना शुरू कर दिया, उससे हर चीज हम जहरीली खाने लगे। तो हमें पहली चीज तो गाय का जो गौमूत्र जिसे कहते हैं, गाय का गोबर जिसे कहते हैं, उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। अभी कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ गाय के गोबर को सरकार आपसे पैसे में खरीदती है और उसको फिर खाद बनाती है। तो अगर ऐसा पूरे भारत में शुरू हो जाए तो लोग जो बछड़े सड़कों पे घूम रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के घर लाएंगे कि कम से कम हमारी इस बछड़े के द्वारा कुछ इनकम हो जाए। इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर गाय के जैसे गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयां बनती है, गाय के गोबर से खाद फर्टिलाइजर बनता है, अगर ये चीज हम बनाने लग जाएं, बड़े बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहते हैं अगर वो भी इस चीज को शुरू कर दें तो उनको भी इस चीज में बहुत प्रॉफिट है। पहले के समय में लोगों के पास क्या इनकम थी, यही तो इनकम थी, गाय भैंस पशु, यही धन हुआ करता था, पशुधन कह करके इनको बुलाया जाता था। तो अगर हम उनका इस चीज में उपयोग कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी और जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप ही स्लॉटर हाउस से आप खरीद खरीद के लाएंगे कि हमें घर में दे दो, हमें घर में बैल रखना है, गाय रखनी है। तो इसके लिए जैसे आपका आपने नाम रखा है पीपल फार्म, ऐसे कुछ लोग हो जिनके पास अच्छी जगह हो, अच्छा नेचर वाइज अच्छी चीज हो, वहां पर इवन हमारे गौ सेवा धाम में हम भी
केचुआ खाद जो केचुआ से बनाई जाती है, गोबर के ही द्वारा बनाई जाती है, उसका अभी हमने प्रोडक्शन शुरू किया है ताकि गाय का गोबर उपयोग में आ जाए। गाय के गोबर से गैस बन सकती है, आप गैस जो खरीद के लाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। ये जब चीजें सरकार भी किसानों को सिखाने लगेगी तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ आएगी और वो गाय की पशुओं की वैल्यू समझेंगे। इसमें सरकार की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर गवर्नमेंट उस चीज को, उस उत्पाद को लेना शुरू कर दे और जैसे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि इसको हम इतने रेट में ले सकते हैं, तब जाकर के ये चीज एक लास्ट जो अंतिम सॉल्यूशन है उस पर पहुंच पाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि जब हम कोई भी चीज, हमारे घर में कोई पेड़ भी होता है, जब वो किसी काम का नहीं रहता हम उसे फेंक देते, ये ह्यूमन नेचर है, उसे लगता है अब ये मेरे किसी काम का नहीं, गाय बैल मेरे किसी काम के नहीं तो इनको घर से बाहर निकाल दो। लेकिन अगर वो उसकी वैल्यू को समझ गए, मैंने जितनी भी लोगों से सुना है, जितनी रिसर्च की है, एक बूढ़ी गाय भी अपना पालन पोषण केवल गाय अपना गोबर और अपने मूत्र से चला सकती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी बोलिए। मैंने भी अपने गांव में यही सोचा था, मैंने सबसे लोगों से बात करी आसपास की, भाई हम गोबर ले लेंगे आपसे, आप बूढ़ी गाय रख लो जो दूध नहीं देती, आप बैल रख लो, वो कहते हैं कि भाई तुम खरीद लो गोबर, पर जो गाय हम वो गाय रखेंगे ना जो गौमूत्र देगी, गोबर देगी लेकिन दूध भी देगी, क्योंकि वो खाएगी तो उतने का ही, खर्चा उस पर उतने का ही है। तो अगर हम बैल रखते हैं या वो गाय रखते हैं जो दूध नहीं देती तो हमारा मुनाफा कम होता है। तो मुझे समस्या यहाँ नहीं लगी कि हमें गोबर का या गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, मुझे समस्या ये लगी कि ये व्यवसाय बन गया है। मुझे नहीं लगता कि गाय अब परिवार का हिस्सा है, क्योंकि गाय किसान के हाथ से जाके डेयरी वालों के पास है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हाँ, मैं इस चीज को जरूर मानती हूँ कि गाय का दूध, गाय का घी ये हमें उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से डेयरी में जाकर के गाय की दशा होती है, हम उसको बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। इवन गाय को दूध देने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, गाय के दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये सब चीजें बहुत बड़ी क्रूरता है गोवंश के ऊपर, गायों के ऊपर। शायद उन्हें जो हमारे वीडियो का पहला हिस्सा है ना, सक्सेस हैप्पीनेस और सर्विस, शायद वो जानने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से इस रिश्ते से लालच हटेगा तो गाय तो अपना खर्चा निकाल लेगी। थैंक यू, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, पर्सनली मेरे बहुत डाउट क्लियर हुए, काफी वैलिडेशन मिली। उम्मीद है कभी मुझे आपके यहाँ आने का मौका मिलेगा और इन पर्सन में आपसे साक्षात्कार कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। बिल्कुल, हमारी ओर से आपको निमंत्रण है, आप जरूर आइए, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, और जब कोई ऐसा काम कर रहा हो तो बहुत खुशी होती है, और ऐसे लोगों को मिल करके मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को भी आपसे, हमसे, जो लोग सेवा से जुड़े हैं उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे लोगों को जब साथ मिलकर के काम करने का मौका मिलता है तो करना चाहिए, तो आप जरूर आइए, हम भी कभी उधर आए तो जरूर आएंगे और आपसे कुछ सीखेंगे, आप यहाँ से कुछ अच्छा मिले आप लेकर के जाइए, और ऐसे ही सेवा निरंतर चलती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है।